मेरे भाई की मृत्यु मर्डर ही हुआ है। इंसाफ मिलना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। कॉलेज प्रबंधन, पुलिस प्रशासन और वहाँ की सरकार, सारे लोग मिले हुए हैं। ईसा सरकार को शर्म आना चाहिए कि एक सप्ताह से ज्यादा हो गया, आज तक FIR भी नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रांची के डोरंडा अम्बेडकर चौक में। आपको बता दूँ कि रांची डोरंडा के रहने वाले एक छात्र की उड़ीसा के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है कि उसके संदेह इस पद उसकी मौत हो जाती है, संदिग्ध मौत हो जाती है। उसके खिलाफ में आज कांग्रेस की ओर से जो है कि अम्बेडकर चौक में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है उसका पुतला दहन किया जा रहा है। हम इन्हीं से जानेंगे, जो कुछ परिजन आए हुए हैं उन्हीं से जानेंगे। आज एक सप्ताह से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन आप लोग को अभी तक जो है कि न्याय नहीं मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जल्द से जल्द मेरा बच्चा को न्याय मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये पीड़िता जो मृतक छात्र हैं उनकी ये माताश्री है, लेकिन ये बात करने की स्थिति में नहीं। हम उनकी छोटी बहनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक सप्ताह से ज़्यादा समय बीत गया, सरकार डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जबकि वो कहती है कि हम किसी भी इंसान के साथ में देश में जो है कि अन्याय होने नहीं देंगे। एक दलित छात्र की मौत हो गई है, जबकि वहाँ के CM जो है और जो प्रशासन है वो बिल्कुल शांत है, कुछ कह नहीं रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप? हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितना हो सके उतना कोशिश किया जाए और कातिल का पता किया जाए। अब तक क्या कार्रवाई हुई है ओडिशा सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन या फिर कॉलेज की ओर से, आपको क्या सूचना मिली है, कुछ अभी तक जानकारी है आपको? मैं उसकी बड़ी मम्मी बोल रही हूँ। उसको सीढ़ी से गिराया गया है, मर्डर किया गया है, इसका इंसाफ हम लोग को मिलना चाहिए। एक दिन में बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है। उसका फोन ले लिया गया है, उसको जो है हर एक तरह से उसका जो है शरीर को कष्ट मार के पीट के ऊपर से गिरा दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन कह रही है कि छात्र की जो मौत हुई है वो सीढ़ी से गिरकर हुई है, लेकिन क्या लगता है कि आपके बच्चे की जो मृत्यु हुई है? मर्डर है। इंसाफ मिलना चाहिए, CBI जांच होना चाहिए। हम लोग जहाँ तक होगा जाएंगे, लड़ेंगे इसके लिए। सरकार जो बोलेगी हम उसके लिए एकदम तैयार हैं। अमूमन देखा जाता है कि जब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर किसी की मौत होती है, बड़ी घटना होती है, तो कॉलेज प्रशासन जो है कि जांच कमेटी गठन करके, निष्पक्ष तरीके से जांच कमेटी गठन करके जो है कि उसको जांच रिपोर्ट सौंपता है। लेकिन अब तक क्या कॉलेज प्रबंधन की ओर से कोई जांच कमेटी बनाया गया अब तक? मैं इस वक्त बता दूं कि ये मृतक छात्र की ये बड़ी बहन है, उन्हीं से जानेंगे। कॉलेज प्रबंधन सब कुछ छुपाया जा रहा है, हॉस्पिटल, पुलिस। बट आज मेरी बहन से बात हुआ पुलिस से, तो पुलिस ने बताया मेरे भाई की मृत्यु मर्डर ही हुआ है। पुलिस ने भी बोल दिया कि मर्डर ही हुआ है, तो पूरी जांच की जाएगी, CBI जांच होगी। मर्डर हुआ है मेरे भाई के साथ। अब तक जो है कि पुलिस प्रशासन की ओर से या कॉलेज प्रबंधन की ओर से आप लोगों को क्या सहयोग की जा रही है वहाँ से? वो लोग जितना कवर कर पा रहा है, पूरा कवर कर रहा है कि नहीं, हमारा मतलब जितना अपना कॉलेज का कर रहा है कि मेरा कॉलेज अच्छा है, ऐसा नहीं कर सकता है। वहाँ के बच्चे लोग भी सपोर्ट कर, मामले को दबाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। मामले को दबाने की कोशिश की कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके और दबाव डालिए और पता कीजिए। मैं आपको बता दूं दर्शकों कि ये मृतक छात्र अभिषेक कुमार रवि की ये मम्मी है, इनकी ये छोटी बहनें हैं। आपको बता दूं कि आज ये रांची के सड़कों पर उतर करके अपने भाई, अपने बेटा का न्याय मांग रहे हैं। हम और भी लोगों से जानेंगे और सीधे जुड़ेंगे कि अब तक क्या न्याय की प्रक्रिया हुई है, क्या कुछ कहेंगे आज आप? जी, मैं बड़े भैया हूँ मृतक का। ये क्लियर कट है, ये रैगिंग टर्नड आउट मर्डर है। इसमें कॉलेज प्रबंधन, पुलिस प्रशासन और वहाँ की सरकार, सारे लोग मिले हुए हैं। हम लोग यही मांग करते हैं उड़ीसा सरकार से कि हम लोग को CBI जांच कराकर जल्द से जल्द न्याय मिले। चलिए हम सीधे आलोक दुबे से जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता। ये बताइए कि अमूमन हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है कि रैगिंग बैन किया गया है, रैगिंग एक अपराध की श्रेणी में आता है। ओडिशा कॉलेज में एक झारखंड के छात्र, होनहार छात्र की संदिग्ध मौत हो जाती है, अब तक जो है कि किसी प्रकार के न्याय नहीं मिल रही, क्या कुछ? मैं ये केंद्र की सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या रांची के लाल सिर्फ अपनी जान देने के लिए हैं? यहाँ से बच्चा पढ़ने जाएगा तो उसकी मौत होकर के वापस लौटेगी?
आप देखिए इनके परिजनों का क्या हाल है। यहाँ का बच्चा जाएगा अपना, तीन बहनों की जिम्मेदारियों को लेकर के बच्चे घर से निकला था कि आपको घबराना नहीं है, मैं कुछ बन करके आऊँगा वापस, और 24 घंटे के अंदर में उसकी लाश वापस आती है। इसके कुछ दिन पहले कोटा में यहाँ का बच्चा, नामकुम का बच्चा की हत्या हो जाती है। आखिरकार हो क्या रहा है ये, और हम खामोशी से लिपा पोती देखते रहेंगे, कोई FIR दर्ज नहीं कर रहा है। आप अनुमान लगाइए उस परिवार के ऊपर में क्या बीत रही होगी। आप कल्पना कीजिए जिस बच्चे के घर का चिराग बुझ गया होगा, उसकी मानसिक स्थिति का कोई अंदाजा लगा सकता है कि उसकी स्थिति क्या। प्रबंधन कह रहा है कि आलोक जी की सीढ़ियों से गिरकर मौत हुई है, तो अब तक देखा जाता है कि हर घटना में कॉलेज प्रशासन जो है एक जांच कमेटी बैठाता है, निष्पक्ष जांच रिपोर्ट सौंपता है। आखिर कॉलेज प्रशासन एक सप्ताह बीत गया, किसी भी प्रकार की जांच कमेटी का गठन क्यों नहीं कर रही, क्या आखिर उसको किस बात का डर है उसको? आप ही के सवाल भी हैं, आप ही के जवाब भी हैं कि आखिर 24 घंटे के अंदर में जो लड़का, जिस लड़के की घटना हुई है, उसने कंप्लेन दर्ज कराया थाना में, और थाना में कंप्लेन दर्ज करके वो कहीं से गूगल से उसने नंबर लिया और नंबर लेके कंप्लेन दर्ज किया, और उसके ऊपर में जो है कोई FIR दर्ज नहीं हो रहे, जांच कमेटी नहीं हो रही, और गिर गया। आपको क्या, आपको आसमान से टपक गया क्या, गिर गया वो? और जो उसके जा रहे जो सबूत सामने आए, कहाँ से गिर के चला गया? ओडिशा में डबल इंजन की सरकार है, आखिर झारखंड के छात्रों को न्याय क्यों नहीं दे पा रही? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये डबल इंजन हो, ये हमें सरकार, हमको सिर्फ इतना चाहिए कि हमारे शहर का नौजवानों की कब तक बलि दी जाएगी, कब तक यहाँ के लोग जो है इसी तरह से अपनी बलि देंगे। बच्चे को पढ़ाने भेजेंगे, बच्चे को कल्चरल प्रोग्राम के लिए भेजेंगे, बच्चे को खेलने के लिए भेजेंगे, तो क्या उसकी 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 लाश आएगी वापस? और हम तब तक यहाँ रांची बंद जैसा कॉल करेंगे, हम इस पर चुप बैठने वाले नहीं है। ये बताइए कि अब तो जो है कि छात्र जो है कि शिक्षण संस्थान में भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं, कॉलेज पढ़ाई करने पहुँच रहे हैं, वहाँ पर उनकी लाश लौट के आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे इस शहर का बच्चा अपने भविष्य निर्माण करने के लिए उड़ीसा गया, और वहाँ एडमिशन लेने के कुछ ही घंटे बाद इस प्रकार की घटना घटी है, उनके पूरे परिवार के जन यहाँ पर है। तो भारत सरकार के जो होम मिनिस्टर हैं उनको इसके जवाब देने चाहिए। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक दलित बच्चा जो अपना भविष्य निर्माण करने के लिए वहाँ पर गया और उनकी हत्या हो गई है, इनके घर वालों का कहना, और उसको छुपाया जा रहा है, उस पर FIR नहीं हो रही है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे इस शहर का, इस राज्य का बच्चा, झारखंड का बच्चा दूसरे राज्य पे जाए। 11:30 बजे अगर सीढ़ी से कोई अगर छात्र गिरता है किसी भी कैंपस में, तो उसे आखिर प्राथमिक उपचार क्यों नहीं कराया गया, यही दो घंटे के लिए क्यों छोड़ा गया? यही बात तो साजिश लग रही है, इसलिए हम लोगों ने CBI जांच की मांग कर रहे हैं। मृतक छात्रों के परिजनों के पास में कई फोटो वीडियो है कि स्टूडेंट जिस कमरे में रहता था, आखिर उसका कमरे का जो दरवाजा का हैंडल आखिर क्यों टूटा? अगर सीढ़ी से गिरेगा क्या, क्या कोई गेट से ही प्रैक्टिस करेगा गिरने क्या? आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, उनके परिजन का भी यही मामला है, यही कहना है कि बच्चा जब रूम में रह रहा तो रूम बंद ही नहीं है, लॉक टूटी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो कॉलेज प्रशासन है और किसी लोगों से मिल करके उनकी हत्या का संदेह है। हमारे साथ जो है कि मृतक छात्र के बड़ी माँ है, हम उन्हीं से जानेंगे। कॉलेज प्रशासन कह रही कि उनका एक सिर्फ घटना है, दुर्घटना हो गया सीढ़ियों से गिरकर, आपके हिसाब से क्या लगता है? हमारे हिसाब से एक दिन में वहाँ जाके सीढ़ियों से गिर के उसका मौत नहीं होगी, उसको जो है मर्डर किया गया है। किस लिए कि वो जो है फोर्थ फ्लोर में रहता था, उसका चप्पल पाया गया 5th फ्लोर में, और उसको सीढ़ी से अगर गिरता तो सीढ़ी में ब्लड रहता ना, रेलिंग पे कैसे ब्लड आया है? उसको घसीटते हुए रेलिंग से जो है नीचे ला के रख दिया। बेटे की वहाँ पे जो है कि दर्दनाक मौत दी गई, मौत मर्डर एकदम हर एक तरह से। मोबाइल जो है उसका जब्त कर लिया गया, मोबाइल क्यों नहीं हम लोग को दी गई? हम लोग को उसका, मैं आपको बता दूं कि ये छात्र की, मृतक छात्र की ये बड़ी माँ है। सवाल ये भी उठता है ओडिशा की पुलिस प्रशासन पर और कॉलेज पर कि आखिर अगर जो छात्र था, अगर वो सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हुई, तो अब तक एक सप्ताह से ज़्यादा समय बीत गया, आखिर छात्र, मृतक छात्र का मोबाइल क्यों नहीं इन्हें परिजन को सौंपा गया? दूसरी बात है कि उसका बर्थडे था 12 तारीख को, हम लोग इतना कॉल किए, कॉल नहीं उठाया है उसको। 11 तारीख रात में ही वो लोग केस कांड किया गया, और 13 तारीख को खबर दिया, क्यों 13 तारीख को खबर पहुंची? दर्शकों, आपको भी जानने का अधिकार है कि एक सप्ताह पहले जो है कि लड़का एडमिशन लेता है, रांची का एक होनहार लड़का, डोरंडा का रहने वाला, कॉलेज में एडमिशन लेता है और एक सप्ताह के अंदर जो है कि उसका लाश लौट कर आता है। एक तरफ पूरे देश के शिक्षण संस्थानों में कहा जाता है कि रैगिंग पूरी तरह से बैन हो गई है, रैगिंग किसी भी संस्थान में नहीं हो रही है, वहीं दूसरी ओर जो कि रैगिंग की घटनाएं सामने आ रही, क्या कुछ कहेंगे?
साजिश था तो उसको मारा गया है, और उसको हमको तो लगता है एससी का उसको मारा भी गया हुआ, और साजिश था उसको बोला सीढ़ी से गिरा हुआ झूठ है। उड़ीसा की सरकार ने इसको नाकाम करने अपने कॉलेज की संस्था को बताने के चलते झूठ का ब्लेम लगा रहा है। उसका अगर मान लिए, इस बार अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे रांची से लेकर हम लोग पूरा चक्का जाम करेंगे। उसको हम लोग बकसने वाला नहीं है। रांची महानगर एसी वक्त चेयरमैन राजू राम। आखिर कब तक दलित छात्रों की मौत होते रहेगी, आप लोग कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? देखिए, झारखंड में ऐसे भी जो स्टूडेंट बाहर जाते हैं उनको किसी न किसी रूप में प्रताड़ित किया जाता है, और रविदास ये अभिषेक की जो हत्या हुई है ये सरासर हत्या है, क्योंकि ये खुद एक जांच का विषय है कि जो लड़का अपने रूम में है उसके रूम का दरवाज़ा का हैंडल टूटा हुआ है, रेलिंग टूटा हुआ है, और उसको सीढ़ियों के पास गिराया हुआ है। जब 11 तारीख को उसका हत्या हो जाती है और 13 तारीख को परिवार को खबर किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी मिली भगत है, और ये सीनियर जो स्टूडेंट हैं उस कॉलेज के उनका और मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं मिली भगत है, जिसके वजह से इस मामले को लिपा टोपी करके छिपाया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जरा यहाँ का नज़ारा दिखाए कि सैकड़ों की तादाद में जो है कि मृतक छात्र के उन्हें न्याय नहीं मिल रही, इसके उसके खिलाफ में आज ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। मृतक छात्र के परिजन हैं यहाँ पे, कांग्रेस के नेता यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय है। सहाय जी, ये बताइए कि आज एक दलित छात्र जो है कि शिक्षण संस्थान में शिक्षा लेने के लिए जाता है, लेकिन एक सप्ताह के अंदर उनकी लाश लौट के आती है, क्या कुछ कहेंगे? डबल इंजन की सरकार है, आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा? निश्चित तौर पे आपने सही कहा है कि यहाँ पर रविदास महल्ला का बच्चा किस बेहाली में परिवार के लोगों ने उसको पढ़ा करके और इस लायक बनाया होगा कि बेटा इंजीनियरिंग जाए, और वहाँ जाके दूसरे दिन उसकी हत्या हो जाती है। निश्चित तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इतना मेहनत से लड़ भड़ करके पढ़ के गया वो आत्महत्या नहीं कर सकता है, जो कहानी। और आपने सही कहा है कि न उनके मैनेजमेंट ने वहाँ इंस्टीट्यूट के उन्होंने FIR किया है, न सरकार के लोगों के FIR हुआ है, और ये पूरा लेपापोती की कहानी बनाई जा रही है। इसीलिए हम विरोध के तौर पे पूरा परिवार, उसका मोहल्ला के लोग आ करके कि न्याय मिले, CBI जांच हो, जिससे कि झारखंड के बहुत बच्चे उड़ीसा में पढ़ने जाते हैं, अगर ये रवैया रहा तो सारे इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे वहाँ, हम यहाँ तक विरोध करेंगे। आखिर वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर कोई घटना होती है, यहाँ तो मौत हुई है, तो वहाँ पर एक निष्पक्ष जाँच के लिए टीम गठित किया जाता है, कमेटी गठन किया जाता है। आखिर कॉलेज प्रशासन इस मामले को दबाने के लिए इस मामले में ढुलमुल तरीके क्यों अपना रही है? यही तो सच है, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों के निकम्मापन का, दोनों के मिलीभगत का कहीं ना कहीं सरकारी कोई ऐसा व्यक्ति और लोग उसमें शामिल है जिनको बचाने के लिए काम किया जा रहा है। इसीलिए CBI की जांच निष्पक्ष के साथ हो, और उड़ीसा सरकार को शर्म आना चाहिए कि एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया आज तक FIR भी नहीं हुआ। सुबोध जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल कि अभी आप सड़कों पर उतरे हुए हैं, अब तक न्याय नहीं मिल रही है, आगे आप क्या करेंगे? हम तुरंत वहाँ के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, तत्कालिक आज जो है, और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो जांच कराएंगे। एक दलित परिवार का बेटा है, अगर मुख्यमंत्री वहाँ एक आदिवासी परिवार के हैं तो कुछ तो सेंसिटिव होगा, थोड़ी बहुत भी मानवता होगी तो कार्रवाई करेंगे, हम इसको बीच में छोड़ेंगे नहीं। अमूमन जो है कि हमारे देश के लिए, राज्य के लिए दुर्भाग्य है कि जो झारखंड में इंफ्रा होना चाहिए शिक्षण संस्थान का वो नहीं है। अगर कोई बच्चा अगर बाहर पढ़ने जा रहा है, अब शिक्षण संस्थान में भी बच्चा सुरक्षित नहीं है, क्या? देखिए, मैं आपकी इस बात के साथ समर्थन करता हूँ। दुर्भाग्य है, झारखंड बने हुए 24 साल हो गए और हम लोगों ने किसी भी, हमारी सरकार या पूर्व की जो भारतीय जनता, वो कभी भी ऐसी नहीं कर पाई। हमको लगता है कि इसको करना चाहिए कि हमारे बच्चे ही रहे, रेवेन्यू भी हमारे पास रह जाए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारा बच्चा जो है डोंडा का लाल, रांची का लाल, उस रैगिंग के चलते उसको सुसाइड दिखाया जो कि मार के फेंक दिया गया। अब
फोटो अगर देखेंगे, हमको मना किया उसके परिवार, उस लड़के का कल चेहरा देखेंगे फोटो से, तो आपको लगे किस तरह से मारा गया। ये भी बात सामने आ रही है कि जब परिजन यहाँ से दौड़े दौड़े जो है कि कॉलेज पहुँचे, तो वहाँ पे कॉलेज का जो CCTV होता है, इतना बड़ा कॉलेज है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो आखिर CCTV फुटेज परिजनों को क्यों नहीं दिखाया गया? कॉलेज लिप्त है, कॉलेज अपनी बदनामी नहीं चाहती है, कॉलेज चाहती है कि इसको किसी भी तरीके से हम खत्म करें, लेकिन जो हुआ है इसकी भरपाई उड़ीसा सरकार को करना होगा, पूरा कांग्रेस पार्टी देश भर में इसके लिए आंदोलन। सवाल ये भी उठता है कि जब अगर कॉलेज में रैगिंग से छात्र की मौत नहीं हुई है, तो फिर कॉलेज प्रशासन छात्र की मौत के बाद में रैगिंग नहीं हुई का हैशटैग या फिर एक मुहिम क्यों चला रहा व्हाट्सएप? मुहिम हम लोग चला रहे हैं, हैशटैग उनका। जब कॉलेज में घटना होती है उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि जो कॉलेज की स्टूडेंट है उनको दबाव बना करके इस मामले को दबाने के लिए कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट को वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कॉलेज में किसी भी प्रकार की रैगिंग नहीं होती। कॉलेज अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए करे और उसमें उड़ीसा सरकार संलिप्त है, जरूर वो रैगिंग में कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा इन्वॉल्व है, उसको बचाने के लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा की सरकार लगी हुई है। मुझको लगता है कि अपने लाल का हम लोग पूरी तरीके से समर्थन में, पूरी पार्टी, पूरी रांची दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर करके हम लोग अपने लाल के CBI जांच की मांग करेंगे और उसको न्याय दिलाने का काम, उसके परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जाते जाते एक आखिरी सवाल, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी या शिक्षण संस्थान में 100% रैगिंग फ्री का दावा किया जाता है, क्या देश में अभी रैगिंग हो रही है? नहीं है, रैगिंग हो रही है, एकदम रैगिंग हो रही है, रैगिंग को कानून बनाया गया है, लेकिन रैगिंग अभी हो रही है और उसका दुष्परिणाम है कि हमारा रांची का लाल की मौत हुई। मैंने धरातल पे उस चीज को लागू नहीं कर, हर कॉलेज में रैगिंग है, हर कॉलेज में रैगिंग है, ये मान के चलिए कि हर कॉलेज में रैगिंग है, कुछ दिख जाता है कुछ नहीं दिखता है। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि एक सप्ताह से ज़्यादा समय बीत गया, अभिषेक कुमार रवि की मौत हुई है, लेकिन अब तक जो है कि किसी भी प्रकार की उड़ीसा सरकार की ओर से या फिर कॉलेज प्रशासन की ओर से अब तक मृतक छात्र को न्याय दिलाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कायावाद नहीं की जा रही। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या झारखंड के रहने वाले युवक को क्या न्याय मिल पाती है या फिर उनके परिजनों को न्याय मिल पाती है निष्पक्ष रूप से, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही, देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।